नमस्कार दोस्तों, गुजरात समाचार यूट्यूब चैनल में तमारू स्वागत है। आज की मुख्य हेडलाइन, मोदी सरकार ने मोटी भेट, 11.27 लाख कर्मचारी ने मळशे दिवाली बोनस। कमोसमी वरसाद वच्चे महुआ मार्केटिंग यार्ड में 6000 मन कपास की आवक। नवी मगफली भाव में भारे उछाड़ो, सौथी ऊंचो भाव 1725 रुपया। दोस्तों आज तमाम मुख्य समाचार जो पहला चैनल में नवा हो तो नीचे लाल रंग सब्सक्राइब बटन दबावी आ चैनल में जोड़ाई जाओ और जाणो दररोज ताजा समाचार। दिवाली पहला रेलवे कर्मचारीओं ने केन्द्र की मोदी सरकार भेट आपी रही है। दिवाली की भेट तरीके कर्मचारीओं ने 78 दिवस बोनस मळशे। कर्मचारीओं ने बोनस स्वरूपे 78 दिवस पगार मळशे। हाल में सरकारे केन्द्र कर्मचारीओ माटे मोंघवारी भथ्था में 4% वधारानी जाहेरात करी हती। अरे दोस्तों, तलाजा, महुआ, कोगा, जेसर, गारियाधर, पालीताणा सहित गामों में आ वर्षे कपासनु कुल 2,34,000 हेक्टर में वावेतर थयु छे। हाल मार्केटयार्ड में कपासनी सारी आवक थई छे। मार्केटयार्ड में दोस्तों 1,000 मन थी लईने 1,300 मन सुधीनी आवक थई रही छे। थोड़ा दिवस अगाउ सौराष्ट्रना अग्रिम गणाता गोंडल मार्केटिंग यार्ड में मगफळीनी सारी आवक नोंधाई हती। अंदाजे 1,00,000 गुणी मगफळीनी आवक मार्केटयार्ड में नोंधाई थी और हराजी में मगफळीना 20 किलोना 1,000 થી લઈ 1,350 सुधी भाव मळ्या हता। दोस्तों कपासनी वात करीए तो खुली हराजी में 1,700 થી 1,750 भावे कपास वेचाई रह्यो छे। खेडूतोने कपासनो सारो भाव मळता छेल्ला 2 દિવસથી કપાસની આવકમાં જંગી વધારો જોવા મળ્યો છે। કમોસમી વરસાદના પગલે કપાસનો ઉતારો ઓછો થયો છે અને ખેડૂતોને કપાસનો સારો ભાવ મળતો નથી। પણ હાલમાં દોસ્તો ખેડૂતો માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કપાસનું વેચાણ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। અને દોસ્તો 2 દિવસ અગાઉ જસદણમાં વરસાદને કારણે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 700 ગુણી મગફળી પલળી ગઈ હતી। વિડીયોને લાઈક અને વધુમાં વધુ શેર કરો અને ચેનલમાં નવા હોય તો નીચેનું લાલ રંગનું सब्सक्राइब बटन दबावी आ चैनल में जोड़ाई दाओ और जाणो दररोज ताजा समाचार। धन्यवाद।